मैं उसे निष्ठापूर्वक पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ गार्जियन उपस्थित हैं उन सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और उनको मेरा प्रणाम है। हमारे जितने भी छोटे भाई बहन, चाची माताएं जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पीछे बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि सब लोग थोड़ा सा पीछे बैठ जाइए, क्योंकि पीछे हमारी माताएं लोग हैं, तो उन्हें थोड़ा सा उन्हें भी सम्मान दीजिए, उनका भी अधिकार है। सबसे पहले ये गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता का अपना शासन। ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जिसको हम लोग आज तक मनाते आ रहे हैं। हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, लेकिन इस देश के सिस्टम को चलाने के लिए कोई रूल, कोई नियम कानून नहीं बना हुआ था। बाद में बुद्धिजीवियों ने, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को लिखा, और जिस संविधान के तहत आज हम सब एक डोर में बंधे हुए हैं कि कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता है और हर किसी का अपना अपना अधिकार है। मैं गौरवशाली हूं कि मुझे उस देश में आज जीने का मौका मिल रहा है। मैं उस देश में सर्वाइव कर रहा हूं जो गणतांत्रिक है, जहां जनता का अपना रूल और नियम है। वरना इस देश की आजादी से पहले आप जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था, और उससे भी पहले सब क्षेत्र के अलग अलग शासक हुआ करते थे। वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र को चलाते थे, उनका अपना नियम कानून होता था, जहां जनता की कोई बात को नहीं सुनी जाती थी, जो राजा वोट दिया वही हो जाता था। पर आज ये गणतांत्रिक देश है, यहां जनता अपने हिसाब से इस नियम कानून को बनाए हैं और उसको पालन सबको करना होता है, चाहे एक प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या एक आम जनता क्यों ना हो। इस देश में जीने का सबका बराबर का अधिकार है। मैं इस सलहा पंचायत के मुखिया होने के नाते तमाम जनता को, जो भी हमारे यहाँ आज उपस्थित है या जो नहीं भी उपस्थित है, उन सबको इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दूंगा, और मैं कामना करूंगा कि आप सबके जीवन में खुशहाली आए। और हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, हमने आपने मुझे अब कुछ जिम्मेदारी दे दी है, मैं उसे निष्ठापूर्वक पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।